न मात्र गृह विभाग में बल्कि सभी विभागों में जितने पद रिक्त है उनको उच्च प्राथमिकता पर भरने के लिए प्रयास चल रहा है। और आप देख रहे होंगे कि लगातार विभिन्न आयोगों द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, परिणाम घोषित हो रहे हैं और पूरी स्वच्छता के साथ में चयन का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज आपको नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री का यह साफ निर्देश है हम सब लोगों को कि जितनी रिक्तियां हैं प्लस विभागों में अतिरिक्त आवश्यकता है उसके अनुसार पद सृजित करके नियुक्तियों को गति दी जाए। मुझे आज के इस अवसर पर ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लगभग 2,20,000 पदों की अधियाचना रोस्टर अप्रूवल के बाद सभी आयोगों को भेजी जा चुकी है, जिसकी नियुक्ति विभिन्न चरणों में है और लगभग 2,80,000 उसके बाद रिक्त पद बचे हुए हैं जिनकी अधियाचना बनाने की कार्रवाई चल रही है। और मिशन मोड में ये 2,20,000 प्लस 2,80,000 लगभग 5,00,000 पदों को भरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है, जिस पर अग्रेतर कार्रवाई सभी विभागों के द्वारा की जा रही है। मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ, DGP साहब ने बिहार पुलिस अकेडमी के बारे में बात की थी। गया में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट है, वह भी देश का सबसे अच्छा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान में से एक है। उसमें भी पुलिस के अलावा अन्य सभी सेवाओं के कर्मियों का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बिल्कुल वर्ल्ड क्लास बनाने, हाईएस्ट क्वालिटी की फैसिलिटीज, उसमें सभी प्रकार के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं और वे सभी अपने सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में उपलब्ध हैं। मैं आप सभी नवनियुक्त अधिकारियों से यह अनुरोध करूंगा कि अपने ट्रेनिंग को पूरी गंभीरता के साथ लें, उसमें न मात्र अपनी क्षमता विकसित करें बल्कि टेक्नोलॉजी के संबंध में जो जानकारी वहाँ है वो अपना आत्मसात करें, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत बड़ी चुनौती है। साइबर क्राइम आने वाले समय की बहुत बड़ी चुनौती है। आप सभी नए पढ़े लिखे बच्चे बच्चे हो, सब में क्षमता है, इसलिए उसका मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करें ताकि राज्य में साइबर क्राइम के कंट्रोल में उतनी क्षमता विकसित हो सके। ड्रग और मानक तस्करी ये दो और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है जिस पर आप सभी को अधिक से अधिक जानकारी हासिल करनी चाहिए और अपने कार्य के दौरान इस पर अत्यधिक विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं आप सभी को पुनः अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि आपका पूरा करियर सुख में रहेगा और आप नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।